कितनी फिल्म है? अब मतलब मुझे ये काउंटिंग तो नहीं मालूम, लेकिन मेरे ख्याल से तकरीबन 70 से ऊपर हो गई हैं फिल्में मेरी। तो मुझे बताओ, ये वाली जो फिल्म है, इसमें कोई इस तरह का रोल है जिसे मज़ा आ रहा है काम करने का, या जनरली जिस तरह की फिल्म्स होती हैं वही? नहीं, आई थिंक समथिंग डिफरेंट, थोड़ा सा इतना नहीं, नॉर्मली जैसे रूटीन की फिल्म्स होती हैं उसी तरह, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है रोल इसमें मेरा। आपके साथ शाहिद हैं, आप उनके साथ पहले काम किए? नहीं, मेरी फर्स्ट मूवी है उनके साथ। हाउ इज ही टू वर्क विद? इज अ नाइस पर्सन? यस, ही इज नाइस पर्सन। हाँ, आपकी मैंने फिल्म अभी देखी थी विदाउट बैकग्राउंड, जो डर गया वो मर गया, उसमें मुझे आपका कैरेक्टर और रोल बहुत डिफरेंट लगा है। जी हाँ, वो मैंने उसमें वैम्प रोल किया है और फर्स्ट टाइम किया स्क्रीन पर, मतलब डिफरेंट है मेरे लिए, तो डिफरेंट है। और मेरे ख्याल से जो भी आर्टिस्ट जो भी रोल करे उसको स्क्रीन पे उस कैरेक्टर के हिसाब से नज़र आना चाहिए। मतलब लोग ये ना कहें कि जी ये नीली है तो ये नीली क्या ऐसे, ये मतलब उस जो भी कैरेक्टर है उसमें आर्टिस्ट को कैरेक्टर के हिसाब से नज़र आना चाहिए। कि आपका मैंने देखा कि यू आर इस वक्त आप अपने टॉप पे हैं ना, और इस मोमेंट पे ये डिसीजन लेना कि मैं एक वैम्प का कैरेक्टर करूँगी, मेरे ख्याल में बड़ी हिम्मत की बात है। तो आपको फिक्र नहीं लगी कि लोगों का ओपिनियन ना शायद चेंज हो जाए या लोग क्या कहेंगे? या नहीं, वैसे मैं काफ़ी हिम्मत पा ली हूँ, ये तो फिर भी वैम्प रोल है, मैंने यंग टू ओल्ड किया हुआ है, और मैंने आई थिंक इंडस्ट्री में इस उम्र में मैंने वाइटनर लगा के और माँ के रोल किया है, तो मुझे ये कॉम्प्लेक्स नहीं है कि जी अगर आप पार्टनर लगा लोगे या आप वैम्प रोल कर लोगे तो पब्लिक आपको पसंद नहीं करेगी। मेरे ख्याल से एक आर्टिस्ट को अगर आप में इतनी वर्थ है, आप कर सकते हो, तो आप करके दिखाओ पब्लिक को कि जी आप ये कर सकते हो। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जी आपने वाइटनर लगाया या आप वैम्प रोल कर रहे हो, आप अपने करेक्टर के हिसाब से करो। आप आई डोंट थिंक कि जी लोग आपको पसंद नहीं करेंगे अगर वो आप उस हिसाब से कर जाते हो, क्योंकि अगर वैम्प है तो आपको स्क्रीन पे फिर वैम्प लगना चाहिए, ये नहीं लगना चाहिए कि जी आप हीरोइन है। नहीं, आप वैम्प लगो ताकि लोगों को उस करेक्टर के हिसाब से नज़र आना चाहिए कि नहीं यार, अगर ये हीरोइन करती है आज, ये वैम्प है स्क्रीन पर, तो ये वाकई वैम्प लगती है, लोगों को आपसे नफरत हो, चिड़ हो ना इसी करके। तो चैलेंजिंग आपको रोल्स अच्छे लगते हैं? मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं कर भी जाती हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको दिल क्या करता है, आपने कभी कॉमेडी फिल्म्स की हैं जिसमें मज़ा हो, यानी कि कॉमेडियन है यानी हंसाना जिसमें लोगों को होता है? पर्सनली मेरा रोल तो नहीं है उसमें, लेकिन ऐसी मैंने फिल्में बहुत की हैं, जैसे एक सजाद गुल साहब की एक फिल्म थी रंगीले जासूस, तो वो मतलब 70% जो थी वो कॉमेडी फिल्म थी और मैंने उसमें काम किया था। मेरा रोल नहीं था उसमें कॉमेडी, लेकिन पूरी फिल्म जो थी वो तकरीबन 70% जो थी कॉमेडी थी, तो मुझे बड़ा मज़ा आया था वो शूट करके उसमें। तो अभी हम आपका थोड़ा सा भी आपकी शूटिंग हम और देखते हैं। जी ज़रूर। ओके, थैंक यू।